होली बड़ी संसार में प्रसिद्ध है और यहाँ की अनेक संतों की वाणियों में बिजली होली का दर्शन होता है। तो आज भी कई प्रकार की होली का दर्शन आपको करें, विशेष करके तो यहाँ गुलाल और पिचकारी की होली तो हो नहीं सकती है। ये होली का दर्शन करना है तो फिर आपको बिजली में ही आना होगा और बिजली में रबड़ देती में याद रखिए, तारीख आपको याद हो जाए। तारीख तो मुझे याद नहीं है, पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन श्रवण देवी में होली होती है और बड़ी विशिष्ट होली होती है। सिया पितरों के लिए महाराज जी ने सोने चांदी की पिचकारी बनवाई है, केसर का ही रंग घोड़ा जाता है और कुमकुमा बनाए जाते हैं। सब प्रकार से कोई गुलाल वैसा नहीं होता, गुलाल भी वहाँ ही अलग से बनवाया जाता है। टेसू के फूलों का रंग बनाया जाता है, उसमें ठाकुर जी को होली खिलाई जाती है। परंतु अब यहाँ तो केवल फूल की होली होगी, जन भरने के लिए जाती है कन्हैया, अटपटे हैं, गोपियों को रोक लेती हैं। परंतु गोपियाँ मानती थोड़ी है, कन्हैया हमसे उद्यम करता है तो जो उद्यम दे करके कोई भाग जाता है, पर वो तो चाहती है कन्हैया हमसे कुछ उद्यम करें। कृष्ण दरस ये ग्वालिनी कृष्ण दरस, अरे सखियो चलो यमुना जल भरवा में। अरे सखियो आज कोई यमुना जी पे यमुना जल भरवी मत जाइयो। क्यों, ऐसी क्या बात है यार? अरे आज वहाँ खड़े हैं ठाड़े हूँ। वो ठाड़े कौन? कोई नटखट। कैसे ठाड़े हूँ? सुन मैं बताऊँ तो, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, वो मत जइयो अकेली कोई पनघट पे, मत जइयो अकेली कोई पनघट पे, इतनो सुंदर श्रृंगार करके जमुना जी पे ठाड़े तो फिर हम क्यों नहीं जामे, हम तो अवश्य जाएंगी और उनके दर्शन करेंगी। अरे सखी ऐसो दाव फिर कहो नहीं लगे हो। अरे सखियो तो फिर सब झूठी बातें, तो चलो जल्दी चलो। ओ श्याम रसिया को राज, श्याम रसिया को राज, आज बंसी बट पे श्याम रसिया को राज, आज बंसी बट पे आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। अरे थकियो देखो हम यमुना जी पे तो आ गई हैं, परंतु अब हम श्याम सुंदर के दर्शन कर लें, क्योंकि उनके दर्शन नहीं होंगे जब तक हम कैसे जाएंगे यमुना जलवर के। तो पहले दर्शन कर लियो जब पीछे जलवर। कि मैं तो ऐसे दर्शनन पे बार बार बलिहारी जाऊं बलिहारी। अरे कछु मोई तो बताए दे, सुन सकी मैंने तो करी ना तो। हाँ हाँ मैं तो को बताऊं, देख लाल ही लोचन, लाल ही के मुख, लाल ही भीरा, लाल बनी कटिकाचनी, लाल की शीश मुकेश चीरा, लाल ही बागो सोहत सुंदर, लाल ठाड़ो यमुना जी के तीरा, गोविंद प्रभु की लोबा जो निरखू, लाल के कंठ बिराजत तीरा। सखी जो मोर मुकुट हो ना वो लाल हो, मोर मुकुट कानन में जो कुंडल है वो लाल है, कुंडल भी लाल है। हाँ सखी, गले में जो माला ही वो लाल ही, माला भी लाल है। हाथन में जो मणिन के कड़ू लाए वो लाल ही। अच्छा लाल। और सखी मैं कहा बताऊं, उनकी बंसी लाल ही, उनकी लुकटी लाल ही, उनको पटकाऊ लाल हो, उनकी कटकाचनी लाल ही। और सखी जब उनकी परछाई श्री यमुना जी पे जा रही ना, हाँ। तो यमुना जी आज लाल ही लाल लगे, यमुना वो लाल है गई। वो तो ऐसा लगे तू भी लाल है रही हो। नहीं मैं तो नीली ना, थोड़ा सर आ रहे हो आन दे तो, हाँ। और दर्शन कर लियो, अब और कर लो दर्शन। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि कैसे दर्शन है? अरे वीर ऐसे दर्शन पे तो मैं बलिहारी जाऊं, बलिहारी बलिहारी। हाँ ऐसे दर्शन तो मैंने आज तक कबू नहीं करे। अरे वीर ऐसा मन कर रहा है कि इन दर्शन को तो मैं करती ही रहूं। श्याम सुंदर को कैसो सिंगारे ने कछु मैं तो बताऊं। हाँ। पीरे ही कुंडल पीरे ही नूपुर, पीरी पीताम्बरी ओढ़े ठाड़ो, पीरी बनी कटकाचनी लाल की, पीरे ही छोरी रचो पटका को, पीरे ही मुकुट लकुट कर सोहत, पीरी ही खोर दिए छिनगारो, गोविंद प्रभु की शोभा तो निरखो, पीरो ही नंदन नंद दुलारो। श्याम सुंदर को मोर मुकुट पीरो हो, पीरो कंठ को पठलाऊ पीरो, ये तो मेनू देखो, गले को हार हूँ पीरो हो, हारू पीरो, बाजू बंद हूँ पीरे, बाजू बंदो कमर की गर्दनी हूँ पीरी ही, सांची कह रही है, पीताम्बरी पीरी पहनाती है। हाँ पीताम्बरी तो पीरी, हाँ नूपुर हूँ पीरे ही। अच्छा दैया ठाड़ी वो पीरी ही। तू तो डर लग रहा कहीं तू पीरी मत पड़ जाएगी। मैं तो ना पीरी पड़ेगी, तू ही पड़ेगी, पीरिया होगा तेरी। अरे सही और करो या बाकी बिहारी की बाकी मरोर चित तीनों है जोर, बाकी बिहारी की बाकी मरोर चित तीनों है जोर। तीनों है जो बाकी है झांकी या की बाकी अदा, बाकी है झांकी और बाकी अदा। भक्तों के कारज सुधारे सदा, भक्तों के कारज सुधारे सदा। अब तो इन तीनों की सखी देख तो सही कितने सुंदर दर्शन, कितने सुंदर दर्शन है। एक मैं तो को बताऊं कितने सुंदर है, नीले ही वृंदावन अति सुंदर और नीली बेल परम रुचकारी। नीले ही कीर ब्रज पे बोलत और नीले ही कौकत मोर सोडारी। नीली ही ब्रजवंता अति सुंदर, देख सकी देख नीली ही ब्रजवंता अति सुंदर और नीली चुरी करन में सारी। अरे गोविंद प्रभु की शोभा तो निरखो, नीली ही तुलसी की माला धारी। अरे सखी ऊपर से लेके नीचे तक सबरे नीले ही नीले। अरे ये बता अब तू दर्शन करती रहेगी पानी भी भरेगी? हाँ वीर जल ही जीवन है, हाँ। जल भर भी कुआएंगे। चलो 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 देर रह जाएंगे। दर्शन करने की इच्छा ही आवे आपने हम काय गुरु नहीं आती बात क्या कह रही हो? काय को रोक लें, हम तो जल भर रही। काय को रोक लें की कर खा रही हो तुम? जल भर रही हो ना? जल भर रही है, ठीक बात है। जल भरोगी नहीं तो पियोगी कहाँ? एक काम करो जल अवश्य भरो, किंतु जल भरवे सो पहले हमें हमारा दान देओ। अरे दान दान काय बात को दान? काय बात को दान? या घाट को दान? ये घाट का आपके बाप दादान को है। तू तो सीधी बाप दादान तक पहुंच गई। नहीं नीचे माँ लौटिया बाप दादान को ना है तो नाती बेटान को तो है। आजकल नाती बेटान ने कोई ना पूछे, सब पूछे। तू या की चिंता मत करे, तू अपनी बात बोल। या पनगट हम नित भरे कबो सुनी नहीं कान। अब मेरी बात सुनो आप, यहाँ पनगट हम नित भरे कबो सुनी नहीं कान। आज कहा नहीं होत है जो मांगो गोरसदान। हाँ। याई पनगट पैसो नित ही यमुना जल भर के ले जाए हैं, पर आज कौन सी नई बात है जो आप हमसे दान मांग रहे हो? दानी बन कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई विशेष बात है। बात ये कि तुम सब नित्य प्रति आओ हो, चुपचाप यहाँ सो जल भरो हो और यहाँ सो निकल जाओ। किंतु आज तुम सब सखीन को सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य जो कि हम मिल गए हैं। दान दो, जल भरो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। श्याम सुंदर, हाँ नंद बाबा ने लाला गाय चराई, तुम्हारी मैया के गुण कहाँ कहें। तुम्हारी याद बुनाद सबे हम जाने, आज वही तुम दयदानी। हाँ। आपके बाबा ने तो सदाए अपने मंडल में रह के गैया बच्चा चराए हैं। एक बात बता, हाँ तेरे उ चराए होंगे? हाँ हमारे उ चराए। तू तो वैसे ही गैयासी लग रही है और गैया ना बच्चियासी लग रही है। और श्याम सुंदर है, हाँ आपकी मैया के गुण तो कछु कहे ही नहीं जाए। क्यों सखी कैसी है हमारी मैया बताइयो? अब बता दूंगी तो बुरो मान जाओ। अब तो बुरी को कहा बुरो मानो, तू तो कह ही दे। अरे चल कह रहे हो तुम्हें बता ही दो। हाँ हाँ आपकी मैया धम धम धल्लो मूसर मल्लो माखने खाए के मोटी है रही है मोटी। एक सखी इतकू बैठा ले, एक सखी इतकू बैठा ले, चपर 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 बात बनाती रहे आपकी मैया। और तू तो मौन धारण करके रहे। मैं तो बिल्कुल ना बोल। अरे बंदरिया आज तो बहुत बोल गई तू। अच्छा अरे के ग्वालिन तू गर्व भरी है, के कछु रूप की आगरी, बोलत नाय वचन समार के गुजर भई बाबरी। अरे सखी कह तो को अपने रूप को मधे, अथवा तू गर्व में भूली भैया जो कि हमारी मैया वालन तक पहुंच रही है। श्याम सुंदर जन्म दियो लाला माई बाप ने, बहुत बुरा करो तो ही देखे, रूप दियो करतार ने, ये बहुत ही ज्यादा बुरा, चल जन्म माई बाप ने दे दियो, रूप करतार ने दियो, ना दान हमें दे जा। चल श्याम सुंदर हाँ छोड़ो श्याम मेरो अंचर पल्लो मोघर सास सामने, आप मेरे अंचर पल्ले को छोड़ दो, मोको यदि नेकहू दे रह गई तो मेरे घर मेरी सास नंद मोती लड़ेंगी। तो अपनी सास की चिंता है ना, बहुत चिंता है, बहुत लड़ाई, तू बस वाह की चिंता मत करियो, अपनी सास की वस्तु ने मेरो नाम ले दीजो, क्योंकि तेरी सास जो माँ हमारी आज बसो यही रेत में, तनिक दही के कारण ग्वालिन क्यों रे सो दरी देत में। सखी तेरी जो सास है ना वो मेरी मैया लगे, जैसी मेरा नाम लेगी ना तो वे बहुत प्रसन्न है जाएगी। आपको नाम ले दियो ना तो और ज्यादा लड़ेगी मोती। मैं तो चाह रहा हूँ तेरी पूजा और कर दे, हम आपको दान ना देंगी, तुम हमें जल नहीं भरन दोगे। चलो ना भरो जाएगा, हाँ हाँ ना भर रही सखियो, चलो चलो। अरे मधमंगल के घाट पे चल रही है बात, दो दो मीठी बात करेंगी और जल भर के सुन 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 यहाँ सुन। कचू कहाँ जा रही है? मधमंगल के घाट पे। वो मधमंगल का तेरा खसम लगेगा श्याम सुंदर। हाँ वो मधमंगल हमारे तो भैया को सारो ना लगे, परंतु तुम्हारे संको सखाए मेरो सखाए, तभी तो मैं पूछूं तू वाके घाट पे ये सबरी बराते लेके कैसे जा रही है? न्यू जा रही हूँ बेचारो बड़ो ही भोरो है, बातें दो दो मीठी मीठी बात करेंगे। क्या तो वो ही भोरो है क्या तू भोरी है? हाँ तुम्हारी तरह चोर तो ही ना है हम। तू तो बहुत ज्यादा बोल जा रही है। सुन यहाँ वो मधुमंगल की धौस दे के जा रही है ना, मैं यहीं बुलाऊं देखो कैसे जल भरन दे। ओ मधुमंगल हाँ बुला लियो, दो गुलचा बा में दूंगी, एक तुम में दूंगी, दोनों घर रोमते भेजाओगे, बुला लियो। आज तो सवेरे सवेरे न जाने कौन को मोह देख लियो, ना तो कन्हैया के दर्शन ही भाई और ना माखन नहीं खाए हुए क्यों मिले। माखन नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, पर कन्हैया के दर्शन अवश्य मिलने चाहिए। कन्हैया के दर्शन के बिना हमारे नेत्रन की प्यास नहीं बुझे है, क्योंकि हमारो मन कन्हैया के लगे गए होए और लगी बुरी हो। ऐसो कहो अरे लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बला और लागी तब ही जानिए जब आर पार है यार, तब ही जानिए जब आर पार है यार। अरे मेरो मन लग्यो बसुरिया बारे के, अब घर कैसे जाऊं हो, लगो मुरलिया बारे थे अब झटके मन, लगो बसुरिया बारे थे अब घर कैसे जाऊं, लगो बसुरिया बारे थे अब घर कैसे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, मैं घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, कह देगी ससुर हमारे थे अब घर कैसे, लग जो मुरलिया बारे अवगत मेरा मन लजो बसुरिया दादा राम राम है तेरा स्वर्ग अभ्यास है ऐसे भैया करना पड़े। हाँ बहुत बहुत सुंदर है। हाँ अच्छा आ गए तू? हम तो आ गए। अब आप बुलाओ कहीं बताओ कैसे बुलाए क्यों बुलाए? कोई विशेष बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी? देख ये ब्रजवाला है। कौन सी धर्मशाला? धर्मशाला को का काम है नंद के लाला, आप ब्रजमंडल के राजा धर्मशाला अंते काई को काम करो? हम ये गोपी आई हैं। टोपी टोपी हम नहीं लगावे, हम पाग पिछोरी झंगा, हम कोरे नंगा के नंगा। परमो ले घोड़े चढ़े पर घर करे आनंद, और इन्हें देख मत रीझिए कोरे फाफानंद। ये सखी आई हैं। चकई चकई गंगा में जमुना में भागीरथी में तालाब में नदी में चौरे पटवर में चकई को का काम है? इतनी देर है गई तो कहा बलराम भैया के पास से प्रसाद लेके तो ना रहे हो तू? जब तक छने नहीं है तब तक आनंद नहीं आवे। हाँ, सुन तेरे बरसाने वारी बोल, मेरे बरसाने वाली नहीं और कछु बोलेगा। बरसा है वे वारी आज है गई ना थोड़ी सी, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है। बरसा कितनी होती रहे, यहाँ का फर्क पड़े। तेरे बरसाने वाली भाभी आई है। भाभी भाभी आपके दर्शन करके भाभी सब भग जाएं, भाभी को कोई काम नहीं। भाभी अरे बस बस ये नाम तो बड़ा चौथ। भाभी कहाँ है? पीछे देख। है? पीछे मेरे ही वृंदावन कन्हैया। हाँ ये नाके लेके माँ तक सबरी भाभी भाभी है। ये सब तेरी भाभी है। तो भैया कहाँ है? भैया तेरे सामने खड़ा है ना। पूरा भैया एक और भाभी अनेक। हाँ। धन्य भैया तेरी छाती को। हाँ। अरे एक आध हमारे लिए छोड़ देता। अब काम की बात कर। चल काम की बताओ। ये सब आई है ना? आई है। अब इनते तू दान मांग। दान? दान काय बात को दान? काय बात को दान? यहाँ जल भरवी को दान अर्थात या घाट को दान। बढ़िया